नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु सिंह, आप देख रहे हैं खबर आसपास। आज हम पहुंचे हैं ललित कर्पूरी स्टेडियम, जहां पर कि भारतीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह का कल 2 बजे लगभग प्रोग्राम है। आप देख सकते हैं ये स्टेज है और हम आपको बताने वाले हैं कि झंझारपुर मधुबनी लोकसभा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण लोकसभा क्षेत्र है और यहाँ पर पहली बार गृह मंत्री बनने के बाद अमित शाह का आगमन है। मैं आपको बता दूं, अमित शाह जो कि भारतीय राजनीति में एक बहुत ही बड़ा स्थान रखते हैं और कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं गृह मंत्री के पद पर सुशोभित है। इनका कल कार्यक्रम है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये स्टेज है जहाँ पर कल अपार भीड़ होगी और कल शायद हमें मौका ना मिले, इसीलिए हम लोग आज यहाँ पर आपको जो है दिखा रहे हैं। मैं आपको बता दूँ, ये वो मंच है जहाँ पर कल लाखों की संख्या में लोग आएंगे और चारों तरफ जो है वो आपको भीड़ देखने को मिलेगी। ये आमतौर पर डी एरिया होता है और कल जो है ये एरिया प्रतिबंधित होगा। तो मैं आपको बता दूं, ये देख सकते हैं आप, ये आपका पंडाल है या लोग जहां पर रहेंगे। मैं आपको बता दूं, मधुबनी एक बहुत ही महत्वपूर्ण लोकसभा क्षेत्र है। इसमें 2 लोकसभा क्षेत्र है, एक मधुबनी और एक झंझारपुर। मधुबनी इस समय मधुबनी में बीजेपी के सांसद हैं अशोक यादव जी और यहाँ पर इस समय जेडीयू के सांसद हैं रामप्रीत मंडल। और लोकसभा प्रवास कार्यक्रम के इस कार्यक्रम के अंतर्गत केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह का यहाँ पे कल आगमन है, जिसको लेकर भव्य तैयारियाँ की जा रही है, लगातार मीटिंग की जा रही है। आज यानी शुक्रवार का दिन है, आज पूरे दिन यहाँ पर सहगमी होती रही, फिर चाहे वो डीएम का प्रोग्राम हो, चाहे एसपी स्वयं यहाँ पर आए और बहुत तरह से यहाँ पर जो कि एक वीआईपी के आने से पहले जिस तरह का प्रोटोकॉल है, उस प्रोटोकॉल को कहीं ना कहीं पूरा करने का प्रयास किया गया है। हम लगातार इस तरह की जानकारी आपको दिखाते रहते हैं और कल यहाँ पर बहुत ही भव्य कार्यक्रम होने वाला है। हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर आने वाले हैं अमित शाह के भाषण को सुनने के लिए। तो हम उसकी भी कवरेज आपको लगातार दिखाते रहेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको पल पल की जानकारी देते रहे। उम्मीद करता हूँ इस तरह के वीडियो आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे। फिर मिलेंगे इस तरह के दूसरे वीडियो के लिए। तब तक आप लोग देखते रहे खबर आसपास। जय हिंद, जय भारत, जय मिथिला।